बाबा का नाम ले रहे हैं, गुरु जी का, आपके पिताजी भी गुरु जी को अपना भगवान मानते हैं, उन्हीं की पार्टी है जेएमएम, तो उसके खिलाफ चुनाव लड़ना, तीर धनुष के खिलाफ चुनाव लड़ना इतना आसान है? और खासकर संथाल में भाई भाई में जब पटरी नहीं जमने लगती है, आपसी मतभेद होने लगते हैं, तो वो अलग निश्चित होना है, अलग होना निश्चित है। सरकार को घेरना क्या, सरकार का समय ख़त्म हो चुका है। अब आज के डेट में हम कह सकते हैं कि आने वाला 2024 में अभी भी समय है, समय रहते अगर ये चार पांच जो हमारी मांगे हैं उनकी 2019 की जो पुरान निश्चय पत्र था पार्टी का, उसमें भी वो अंकित है, उस चीज़ को देखा जाए, अभी पूरा करेंगे तो अभी बच सकते हैं, अन्यथा 2024 चुनाव बहुत महंगा पड़ने जा रही है। जेएमएम सरकार क्या करेगी नहीं करेगी उस चीज़ से हम लोग को मतलब नहीं है, जल जंगल जमीन हमारी है, हमारी थी, हमारी रहेगी। झारखंड विकास मोर्चा का विलय होने के बाद झारखंड में झारखंड बचाओ मोर्चा का उदय हुआ है। झारखंड बचाओ मोर्चा के जो अध्यक्ष बने हैं वो हमारे साथ हैं, आज ये अध्यक्ष बने हैं, ये लोबी हेम्ब्रम के पुत्र हैं, अजय हेम्ब्रम जी। क्या माना जाए, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा झारखंड बचाओ मोर्चा का? देखिए, झारखंड बचाओ मोर्चा से ही पता चल जाता है कि आखिर झारखंड बचाओ मोर्चा ये संगठन क्या है। झारखंड को बचाने के लिए यहाँ की जल जंगल जमीन जो गुरुजी बाबा शिबू सोरेन साहब की पुरानी लड़ाई है, पुरानी मांग है, सरकार से मांग रही थी कि अलग झारखंड लेकर के हम अपने लोगों को, उनके सुख दुखों को अपने से देखेंगे, यहाँ की जल जंगल जमीन उनकी रहेगी, उनकी रहनी चाहिए, उसी का लड़ाई हम लोग आगे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो अभी तो जेएमएम की ही सरकार है, तो आपको नहीं लग रहा है कि वो संरक्षण कर पा रहे हैं यहाँ के लोगों का, यहाँ के जल जंगल जमीन का? जी नहीं, ऐसा तो हमें नहीं लगता। क्यों, क्या क्या उदाहरण? उदाहरण यहाँ बाहरी लोग आकर के, बड़ा बड़ा कंपनी लोग आकर करके हम लोग के जमीन को अधिग्रहण कर रहे हैं बिना ग्राम सभा किए, बिना यहाँ के प्रधान को बिना जानकारी दिए, यहाँ के रैयतों को बिना सहमति लिए यहाँ बड़े बड़े उद्योग खोले जा रहे हैं, CCL BCCL पत्थर खदान या जो भी खदान झारखंड में है, CNT एक्ट हो चाहे SPT एक्ट के अंतर्गत सब अवैध हैं। तो अभी जो आप लोग पेशा CNT SPT एक्ट स्थानीय नीति ये सारे जो मुद्दे बनाए हैं, क्या इस पे सरकार को घेरेंगे? सरकार को घेरना क्या, सरकार का समय ख़त्म हो चुका है। अब आज के डेट में हम कह सकते हैं कि आने वाला 2024 में अभी भी समय है, समय रहते अगर ये चार पांच जो हमारी मांगे हैं उनकी 2019 की जो पुरान निश्चय पत्र था पार्टी का, उसमें भी वो अंकित है, उस चीज़ को देखा जाए, अभी पूरा करेंगे तो अभी बच सकते हैं, अन्यथा 2024 चुनाव बहुत महंगा पड़ने जा रही है। तो झारखंड बचाओ मोर्चा क्या माना जाए, क्या 81 विधानसभा पे अपना कैंडिडेट देगी? आप लोगों ने पहले ही कह दिया है कि हम सिर्फ खतियान धारियों को, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की ये पार्टी है सिर्फ, बाहरी को एंट्री नहीं। ऐसा नहीं है, अभी झारखंड बचाओ मोर्चा जो लड़ाई लड़ रही है यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए लड़ रही है। जेएमएम सरकार क्या करेगी नहीं करेगी उस चीज़ से हम लोग को मतलब नहीं है, जल जंगल जमीन हमारी है, हमारी थी, हमारी रहेगी। तो कितना जगह कैंडिडेट देंगे, क्या माना जाए कि आप बोरियो से अगले उम्मीदवार हो सकते हैं? सर देखिए, ये तो पार्टी की केंद्रीय कमेटी की ये निर्णय होगी, हम तो एक आदरणीय कार्यकर्ता हैं झारखंड बचाओ मोर्चा के बस। तो संगठन को अभी कहाँ विस्तार देंगे, पूरे राज्य में या संथाल आपका ज़्यादा फोकस रहे? जी पूरे राज्य में, पूरे 24 जिला के लोग आए, आज 2400 से करीब ज़्यादा ही लोग आए हुए हैं, पूरे 24 जिला में हम लोग अपना संगठन को विस्तार करने जा रहे हैं। तो उम्मीदवार कहाँ कहाँ से देंगे ये कोई सोच? ये तो अभी समय बताएगी, अभी वक्त थोड़ा लगेगा, इसमें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा आप लोग को भी। तो आपको लगता है चूँकि आप बाबा का नाम ले रहे हैं, गुरु जी का, आपके पिताजी भी गुरु जी को अपना भगवान मानते हैं, उन्हीं की पार्टी है जेएमएम, तो उसके खिलाफ चुनाव लड़ना, तीर धनुष के खिलाफ चुनाव लड़ना इतना आसान है? और खासकर संथाल में भाई भाई में जब पटरी नहीं जमने लगती है, आपसी मतभेद होने लगते हैं, तो वो अलग निश्चित होना है, अलग होना निश्चित है, उसी तरह से हम लोग मजबूरन अलग होना पड़ रहा है, और
अलग पार्टी हो सकता है, गठन हो। तो ये जो भाई भाई में लड़ाई होता है, ये प्रॉपर्टी को लेके होता है, बाप दादा की प्रॉपर्टी को। तो क्या माना जाए कि उस प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा नहीं मिल रहा, इस वजह से आपने अलग पार्टी बनाया? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात अलग है, लेकिन हम लोग तो यहाँ जन आंदोलन से संबंधित लड़ाई लड़ते आए हैं और लोगों के हित में, झारखंडियों के हित में, खतियानियों के हित में जो गुरुजी बाबा की लड़ाई थी, उस चीज़ को हम लोग और धारदार बना करके, चाहे वो आने वाला चुनाव में सरकार बनाने को लेकर हो या अपनी संगठन विस्तार को लेकर। आखिरी सवाल, लोकसभा का चुनाव पहले आने वाला है, क्या झारखंड बचाओ मोर्चा का उसमें भी योगदान होगा लोकसभा में, या आप लोग सिर्फ विधानसभा पर कंसंट्रेट करेंगे? नहीं, अभी ये कार्यकारिणी सदस्य बनेंगे, झारखंड बचाओ मोर्चा केंद्रीय कमेटी बनेंगे, उस पर निर्णय होगा। शुक्रिया। तो अजय हेम्ब्रम जी हैं, ये कह रहे हैं कि भले ही जेएमएम की सरकार हो, लेकिन मूल भावना जो है जेएमएम की, उससे अलग काम कर रही है। फिलहाल ये गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो जनता के बीच भी जाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे और वो सवाल पूछेंगे जिसके आधार को रखकर इस झारखंड का निर्माण हुआ। शुक्रिया। The followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in